दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी एफ एम सी के बेनेविया इंसेक्टिसाइड के बारे में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है टेक्निकल कंटेंट क्या है कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी स्टेज में आप यूज कर सकते हैं कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है प्राइस डॉज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगी तो लास्ट तक जरूर बने रहे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिता सिंह आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप पहुंचते फटाफट एफ एम सी के बेनेविया इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल कंटेंट आता है साइंट्रा नीलिप्रोल दस पॉइंट छब्बीस परसेंट ओडी फॉर्म में ये आता है ओडी यानी ऑयल डिशर्सेंट फॉर्मुलेशन में ये आता है इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार इसमें एक्शन आता है यानी कि ये प्लांट में ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से सर्कुलेट होता है जिससे कि चबाने वाले कीटू को भी ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और ट्रांसलेमिनार एक्शन होने की वजह से ये लीफ माइनर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है आगे और भी डिस्कस करूंगी मैं कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है ये कीटों के मसल्स पे अटैक करता है जिससे की कीटक चल फिर नहीं पाते हैं और ना ही खाना खा पाते हैं इस वजह से स्प्रे के तुरंत बाद में फसल सेफ सुरक्षित हो जाती है क्योंकि कीटक उसके बाद में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता और बहुत ही जल्दी ये कीट मर जाते हैं इस तरीके से ये फसल को सुरक्षित करता है कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो खीरा मिर्च टमाटर पत्ता गोभी फूल गोभी कद्दू करेला भिंडी लौकी तोरई यानी कि सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ ही अनार अंगूर सभी प्रकार के बागवानी के प्लांट्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यानी किसी भी टाइप की अगर क्रॉप है और उसमें इंसेक्ट का प्रकोप है तो आप बेचीजक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बात की जाए कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है तो सभी प्रकार के रस चूसने वाले और चबाने वाले कीटों को ये कंट्रोल करता है जैसे कि कॉटन बॉल वर्म है पिंक गुलाबी जी जिसे कहते हैं लीफ माइनर डायमंड बैक मोथ कैटरपिलर्स किसी भी प्रकार के हों उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है फ्रूट बोरर है यानी कि किसी भी प्रकार के सुंडी का प्रकोप है तो उसे बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है उसके साथ ही वाइट फ्लाई एफिड्स इनको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है यानी कि अगर आपकी क्रोप में एक साथ सभी प्रकार के इंसेक्ट का प्रकोप हो रहा है जैसे सूंडी का भी है थ्रिप्स भी है व्हाइट फ्लाई भी है तो ऐसी सिचुएशन में इस इंसेक्टिसाइड को यूज आप कर सकते हैं प्राइस की बात की जाए तो 90 एम की बोतल है ये मेरे पास जिस एम एमआरपी है एक हजार तेरह रुपए और लगभग ये निब्बे एम की बोतल एक हजार में अवेलेबल हो जाती है मार्केट में प्राइस वाइज ये थोड़ा सा कॉस्टली इंसेक्टिसाइड होता है इसकी डोज की बात की जाए तो इसकी परफेक्ट डोज है जो किसी भी फसल में आप यूज कर सकते हैं वो डोज है दो सौ प्रति एकड़ यानी कि एक एकड़ में अगर क्रॉप बड़ी है जैसे कपास वगैरह में आप यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगता है तो 250 से 300 लीटर पानी आप ले सकते हैं क्रॉप छोटी है जैसे टमाटर मिर्च वगैरह में पानी कम लगता है तो 200 से 250 सौ लीटर पानी पानी आप ले सकते हैं उस पानी में एक एकड़ के जितना पानी लग रहा है उस पानी में आप 240 सौ की जो बोतल आती है वो आप डालिए मिक्स कीजिए स्प्रे कर सकते हैं इसके साथ में सिलिकॉन चिप को यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ही इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये ऑयल डिस्पर्सन फॉर्मूलेशन में आता है तो एक ड्रॉप भी अगर लीफ पर पड़ती है तो पूरी लीफ पे अच्छे से ये स्प्रेड हो जाती है तो इसका रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा मिलता है तो इसके साथ में सिलिकॉन चिप को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है इसका रेन फास्टनेस समय है लगभग दो घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए तभी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इफेक्टिव टाइम है इसका पंद्रह दिन यानी कि फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे के बीच में कम से कम पंद्रह दिन का गैप जरूर रखें पंद्रह दिन तक इसका अच्छा रिजल्ट क्रॉप में देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा दो ही स्प्रे आप करें थर्ड स्प्रे जैसे ही करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा दो स्प्रे तक ही इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो जब भी अपने क्रॉप में आप शेड्यूल बनाए सिर्फ यही इंसेक्टिसाइड नहीं दोस्तों कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज कर रहे हैं तो चेंज कर के ही यूज करना चाहिए और इसका सिर्फ आप दो ही स्प्रे करें किसी भी टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद